नमस्कार, मैं इनके सिंह। अच्छा लगा G20 के नेताओं को रविवार को मोदी जी बटोर बटोर के ले गए, और महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन राजघाट पे फादर ऑफ द नेशन को श्रद्धांजलि देते हुए खुद भी दिया। देख के अच्छा लगा। ये भी अच्छा लगा कि दुनिया के तमाम नेता उस गांधी की महानता को आज भी रिकॉग्नाइज करते हैं, और मोदी जी की मजबूरी है कि उनके पास और कोई आइकन ऐसा नहीं है जिसको कि वो दिखा सकें। लिहाजा आज वो दौड़ दौड़ के सबको पहना रहे थे और वहां नेताओं को ले जाके राजघाट पे बापू को श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं। सवाल इसका नहीं है कि मोदी जी बापू के प्रति नतमस्तक थे, सवाल ये है कि बाकी इसके पहले और इसके बाद आखिर क्या वजह है कि मोदी जी बापू के बताए किसी एक रास्ते पे भी क्या कभी चले हैं? उनके लोग पानी पी के गांधी जी की लानत मनानत करते हैं, क्या उन्होंने कभी कुछ किया है? ये ड्रामा नहीं तो क्या है? आज कोई पूछे कि 2017 में पार्टी अध्यक्ष के रूप में अमित शाह ने इसी बापू को, जो हम लोग सबके सम्मानित हैं, चतुर बनिया कहा था। क्या सेंटेंस था? 2017 की बात है, बहुत चतुर बनिया था वो, ये कहा था। आज पूछा जाए कि इन राष्ट्राध्यक्षों को बताया जाए कि भाजपा का अध्यक्ष, इस समय का गृह मंत्री, बापू को क्या कहता है? एक आइकन आपने नहीं डेवलप किया। कितने साल हो गए मोदी जी? 9.25 साल आपका शासन हो गया, भाजपा को बने हुए 43 साल हो गए, संघ को अस्तित्व में आए 98 ईयर्स हो गए। एक आइकन आपका नहीं है जिसको दिखाएं और राष्ट्र दुनिया को बता पाए, दुनिया को नेताओं को बता पाए। आखिर फिर इसी बापू के पास आपको आना पड़ता है, क्या वजह? क्या है वजह? है आपकी वो सोच, आपकी वो सोच जिसमें कि आपका नेता पानी पी पी के और आपका मंत्री जो संविधान की शपथ लिया है, वो आपको याद होगा प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा था, गोडसे को, जिसने गांधी को गोली मारी थी, उसको देशभक्त बताया था। क्या हुआ? वो आज भी है। बाकी छोड़िए, अनिल विज हरियाणा का मंत्री, उसका कहना था कि ये साबरमती का संत, इसको क्यों कहते हैं बापू को, क्या कंट्रीब्यूशन है? आप वो भी छोड़िए, आपका एक कर्नाटक का सांसद, याद होगा आपको और बहुत चर्चा हुई थी इसकी, कर्नाटक के सांसद ने कहा था, कोई ऐसे लोगों को कैसे महात्मा कह सकता है, गांधी का आजादी के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये आपका सांसद है, याद है आपको? आप ही ने टिकट देके इसको सांसद बनाया था। कर्नाटक में आपकी पार्टी ने स्वतंत्रता सेनानियों का फोटो लगाया, ऊपर मोदी जी का फोटो, बगल में मुख्यमंत्री बोम्मई का फोटो, और उसमें नेहरू नहीं थे। और आपने क्या कहा था मोदी जी, आप खुद याद कीजिए, आपका सेंटेंस 9 फरवरी को संसद में क्या था? अगर इतने ही नेहरू इनको प्यारे हैं तो गांधी क्यों लगाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू पे व्यंग करते हुए कि अगर नेहरू इतने ही अच्छे थे, इतने ही प्यारे थे, तो ये राहुल गांधी और ये वगैरह वगैरह, वो आपकी अज्ञानता थे कि आपको नहीं मालूम कि बेटी बाप का टाइटल नहीं लेती है। लेकिन अज्ञानता छोड़ भी दीजिए, तो आप ही ने तो कहा था ना कि गांधी का टाइटल क्यों नहीं लगाती है। आज आप टाइटल लगाए घूम रहे हैं, आज आप पिछले कई घंटों से उसी गांधी का टाइटल लगाए घूम रहे हैं। जानते हैं कारण क्या है मोदी जी? कारण आपको बता दें और हम आपको कम बताएं, अपने व्यूवर्स को बता दें, आप अपने आइकन्स क्यों नहीं ले पाए? आपका तो धंधा ही है, आप दूसरे के आइकन को कोऑप्ट कर लेते हैं। पटेल उसके उदाहरण है, पटेल का आपसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आपने उनको आइकन बना के कोऑप्ट कर लिया और नेहरू को खारिज कर दिया। और नेहरू को क्या बताया?
इसी संसद में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपके लोग क्या कहते थे, गांधी और नेहरू को कचड़ा कहते थे, कचड़ा, और आप सब सुनते थे। तो आज हकीकत क्या है कि आपके इस छोटेपन की वजह से आपके यहां कोई आयकर नहीं, और वो भी कैसे। मेरे पास ये पुस्तक है, ये आप सब जानते होंगे, बंच ऑफ थॉट्स, गोलवलकर साहब की किताब है, 165 पेज नंबर पे लिखा है, द हिंदू इन भारत कैन नेवर बी टर्न्ड कम्युनल। हिंदू कभी कम्युनल कहा ही नहीं जा सकता। ही हैज नेवर बीन डिवोटेड टू भारत, ही हैज एवर बीन डिवोटेड टू भारत एंड रेडी टू स्ट्राइव फॉर इट्स प्रोग्रेस एंड अपहोल्ड द ऑनर द नेशनल लाइफ वैल्यू ऑफ भारत आर इनडीड डेराइव्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ हिंदूज। कि जो राष्ट्र की जो वैल्यू है, नेशनल लाइफ है, वो सिर्फ हिंदुओं से ही आती है। एंड एज सच ही इज द नेशनल एंड नेवर कॉम्युनल। उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, केवल नेशनल ही है, केवल हिंदू ही है जो नेशनल है। आप जरा सोचिए, इस तरह के भाव रख के तभी तो आपका मंत्री कहता है ना, हर तीसरे दिन कहता है कि पाकिस्तान भेज दो मुसलमानों को। एक कहती है राम जादे और उनको कहती है कोई कौन राम जादे, एक गाली देके कहती है, मंत्री आज भी है वो। ये आप ही यहाँ के लोग है ना जो कहते हैं। ये जो बाइनरी क्रिएट किया है आपने, आपके लोगों ने, किसने कहा था कब्रिस्तान और शमशान, आप ही ने कहा था ना चुनाव में वोट लेने के लिए, गांधी ने तो नहीं कहा था। अब आपको हम गांधी का दिखाते हैं। ये तो हमने आपको गुरु जी का दिखाया कि गुरु जी ने क्या कहा था, और गुरु जी का एक और बता दें, द टर्म मेजोरिटेरियन कम्युनिज्म इज दस अपोज टू द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मेजोरिटी कम्युनलिज्म हो ही नहीं सकता, ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। अंडर फॉरेन डोमिनेंस सिंस दे वेयर कंसिडरिंग द एंटायर पीपुल एज देयर स्लेव्स डिवाइडेड बाई डिस्टिंक्ट कास्ट इट इज नेचुरल दैट दे शुड बी यूज्ड use such term as majority minority, but under independence ke baad the rule being of majority, to speak of majority communalism is opposed to logic. Ye sachai hai nahi, majority communalism ho hi nahi sakta. Ye sarsang chalak ji ka tha, aur unhone jo 7 type communalism ke bataye the usme हिंदुइज्म तो था ही नहीं, उसमें सिखिज्म वगैरह कई चीजों का नाम दिया था, द्रविड़ नाम दिया था, लिंग्विस्टिक आधार पर दिया था। एक तरफ ये है, आप आइकॉन बनाएंगे कैसे। आप संघ में कहा जाता है परम पूजनीय, और आपके लिए वो होंगे, डॉक्टर हेडगेवार भी होंगे परम पूजनीय, लेकिन हकीकत ये है कि ये विचारधारा गांधी से मेल नहीं खाती, कहीं भी वो गांधी के साथ नहीं है। अब गांधी को जरा सुन लीजिए, जिसकी आज आप पूजा, आज आप सिर्फ जस्टिफिकेशन लेने के लिए, लेजिटिमेसी लेने के लिए अपने गवर्नेंस की, कि जो हम कर रहे हैं, और वो गुजरात से लेके आज तक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो 2002 से आज तक आपका पीछा 21 साल में नहीं छोड़ा उसने, तो लेजिटिमेसी के लिए गांधी के उस पे ले जाते हैं, राजघाट पे ले जाते हैं, और वहां पे आप ये बताते हैं कि हम आइडियोलॉजिकली बिल्कुल साथ हैं, गांधी की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। नहीं मोदी जी, आप नहीं करते। आप जरा देखिए, 1946 की बात है, दंगे हो रहे थे बिहार में, गांधी नोआखाली पहुंच चुके थे, और दंगे, ये राजमोहन गांधी की किताब है, और राजमोहन गांधी इस पे लिखते हैं, पेज नंबर 567, इस पे लिखते हैं कि गांधी नोआखाली पहुंच गए थे, लेकिन जब बिहार का पता लगा कि मुसलमानों को काफी मारा गया है, हजारों मुसलमान मारे गए हैं, गांधी वापस लौटना चाहते थे तो नहीं लौट पाए, तो उन्होंने एक आम पत्र लिखा, वो नेहरू को डायरेक्टेड था, वैसे तो नेहरू के लिए इंटेंडेड था, लेकिन हवाई जहाज से सरकार ने उसको गिराया जनता को जानने के लिए। जानते उसमें क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा, You should not rest till every Muslim refugee has come back to his home
विच यू शुड अंडरटेक टू रिबिल्ड एंड आस्क योर मिनिस्टर्स टू हेल्प यू डू दिस, कह रहे हैं, और ये जनता से कह रहे हैं, नेहरू से भी कह रहे हैं कि ये सुनिश्चित कीजिए कि वो मुसलमान वापस लौट के आए और आप उनके घरों को रीबिल्ड कीजिए, ये आपका दायित्व है, आप अपने मिनिस्टर से कहिए। इसके पहले उन्होंने कहा था, मुझे मालूम है आपके मिनिस्टर्स वहां क्या कर रहे हैं, मुझे सब कुछ पता लग चुका है। तो आगे वो कहते हैं, व्हाट यू हैव डन इज टू डिग्रेड योरसेल्फ एंड ड्रैग डाउन इंडिया, आप लोग जो कर रहे हैं, और ये उन्होंने कांग्रेस के लोगों के लिए कहा था, अपने लोगों के लिए कहा था, मिनिस्टर्स के लिए कहा था, मोदी जी कितनी बार आपने कहा है, जब नूह में सब कुछ होता है, कितनी बार आपने अपने मिनिस्टर्स को डांटा है, यूपी के सहारनपुर के बाद कितनी बार ये सब चीजें हुई हैं। तो आप इनको देखते हैं तो कभी आपने सोचा है, गांधी वो ताकत थी, इसीलिए आपके यहां कोई आइकॉन नहीं बन पाता। अब जरा सुनिए क्या कहते हैं गांधी, व्हाट यू हैव डन इन द इज टू डिग्रेड योरसेल्फ एंड ड्रैग डाउन इंडिया, आपने अपने को भी गिराया है और भारत की गरिमा गिराई है। ये गांधी की ताकत थी जो उन्होंने कहा। आपने कब कहा मोदी जी, किसी एक को कहा आज तक, जो पानी पी पी के मुसलमानों को कोसते हैं, जो बुलडोजर न्याय दे रहे हैं, कभी कहा आपने किसी योगी को कहा जो जिस टोन में वो बोलते हैं, खुद आपने अपने अंदर झांका, अगर झांकते तो कब्रिस्तान और शमशान और कब्रिस्तान, ये बाइनरी ना क्रिएट करते। तो कहा है उसमें, आई रिगार्ड माई सेल्फ एज पार्ट ऑफ यू, योर अफेक्शन हैज कंपेल्ड दैट लॉयल्टी इन मी, आई कैन नॉट रेस्ट टिल आई हैव डन सम मेजर ऑफ पेनेंस। और ये कह के गांधी ने खाना छोड़ दिया। ये गांधी थे जिनकी आज, जिनको आप सजदा करने आज गए थे। मोदी जी एक बार अंदर झांकिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अंतर क्या है, क्यों भाजपा संघ 98 इयर्स में, भाजपा 43 इयर्स में, आप 9.5 साल में आज फिर उसी गांधी के पास जाना पड़ता है। आपका अपना कोई नहीं है आइकन, 98 साल में संघ भी अपना आइकन नहीं बना पाया है जो कि दुनिया में मकबूल हो। मोदी जी आपकी मजबूरी है, अमेरिका भी जाएंगे तो गांधी के सामने सर झुकाना पड़ेगा। आपका बस चलता, आपके लोगों का बस चलता तो वो तो गांधी को भी बहुत कुछ कह रहे हैं, और आपने कभी इस पर ऐतराज नहीं किया। और ये गांधी का मानना है, आपने जो देखा ये लेटर लिखा है, गांधी ने कहा कि ये तुम लोग कर रहे हो, और उसके बाद गांधी ने खाना पीना छोड़ दिया, कहा कि हम अपनी डाइट रिड्यूस कर रहे हैं इसके पीनेंस के लिए, प्रायश्चित के लिए। गांधी प्रायश्चित करते थे, इसलिए वो गांधी थे। गांधी वो इसलिए नहीं थे कि वो कांग्रेस को वोट दिलवाते थे। नेहरू भी इसलिए नहीं थे, वो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट थे, इसलिए थे। आप पानी पी पी के कोसिए गांधी को, कोसिए आपके लोग राम जादे और कौन जादे कहें, गोली मारो देश के गद्दारों को, गोली मारो, नीचे से आवाज आती है गाली देते हुए सालों को, और उसका प्रमोशन हो जाता है आपके रिजीम में। गांधी के रिजीम में ये नहीं होता था, गांधी इस बात पे भी आमरण अनशन पे बैठ जाते। तो यही वो दिक्कत है जो कि आपको समझनी पड़ेगी मोदी जी, कि आज क्यों वहां पे घंटों खड़े रह के गांधी के उस पे, गांधी स्मारक पे आपको सजदा करना पड़ता है, राजघाट पे सजदा करना पड़ता है। गांधी दुनिया का बड़ा नेता था, अहिंसा की सीख दी थी आपके रेजिम में। जब अखलाक, पहलू खां, तबरेज, जुनैद ये मारे जाते हैं और आप कुछ नहीं बोलते, तमाम ये बुलडोजर न्याय चलने लगा है आपके राज्यों में, यूपी से शुरू होके कहां कहां नहीं गया, असम में क्या हो रहा है आपने कभी नहीं बोला है। आपको याद होगा राजधर्म पालन करने के लिए आप ही के यहाँ के एक बड़े नेता ने कहा, वो आइकॉन था, जब अटल बिहारी ने राजधर्म पालन करने को कहा तो वो वाकई आइकॉन था, लेकिन वो आइकॉन आपको समझ में नहीं आता है, वो सब आइकॉन नहीं चलेंगे क्योंकि वो तो आपके हिसाब से गड़बड़ है। मजबूरी गांधी को लेके है
तो गांधी को लेके मजबूरी है, लिहाजा आज आप वहां पे खड़े हैं और नेताओं को लेके जा रहे हैं ताकि अपने जो दाग लगे हैं, अपने पर जो धब्बे लगे हैं या जो लगातार लग रहे हैं, जो मीडिया से भी छुपाना चाहते, अमेरिकन मीडिया चाहती थी ना तो उससे भी छुपा दिया, ये वो दाग है मोदी जी। लिहाजा फिर से एक बार रिव्यू कीजिए और आप पाएंगे कि गांधी का रास्ता ही असली रास्ता है, रास्ता जो हम आपने चुना है ये गांधी का रास्ता नहीं है। ना तो इसमें अहिंसा है, ना इसमें सत्य के प्रति आग्रह है, बल्कि सत्य के प्रति तो इतना दुराग्रह है कि लगता ही नहीं है कि सत्य कहीं भी है। अर्ध सत्य, पूर्ण असत्य, इसको एक इस वो किस्म जरा सोचिए, इसमें जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा और मोदी का कटआउट लगेगा हर 20 मीटर पे, 5 किलोमीटर के रोड पे, जहां हमारे राष्ट्राध्यक्ष दुनिया के आए हुए हैं। क्या मैसेज आप दे रहे हैं? ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र की जननी आप बता रहे हैं, क्या यही जननी होती है प्रजातंत्र की, जिसमें एक इंडिविजुअल जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा एक इंडिविजुअल के कटआउट पे लगेगा और हर 20 मीटर पे कटआउट रहेंगे दोनों साइड में? इसको कहते हैं आप जनतंत्र की माँ? जनतंत्र की माँ का आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो कहाँ है। गांधी के कुछ पेजेस अगर पढ़ लेंगे आप तो वो मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जरूरत इस बात की है कि अपने को जबरदस्ती उठाने, गांधी नहीं उठाया करते थे इस तरह से, कभी जरा गौर कीजिएगा गांधी के कंडक्ट, गांधी कितना कटआउट अपने लगवाते थे, नेहरू कितने लगवाते थे, और तब आपके समझ में आ जाएगा कि ये जो एक स्मोक स्क्रीन पैदा किए हैं, इससे गांधी बनना तो दूर की बात है, आपके यहाँ कोई आइकॉन छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपके आइकॉन्स हाईली बायस्ड हैं। और मैं जब जब इसको पढ़ता हूं, और मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ बंच ऑफ थॉट्स, और इसको पढ़ता हूं, तब हमें समझ में आता है कि कारण क्या है कि ये आइकॉन्स आपके नहीं है, आपका टोटा है, तो आपको उधार लेने पड़ते हैं। तो कभी आप पटेल को लेते हैं और बाकी गांधी को तो आप ले ही रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार विचार कीजिए, और मैं अपने व्यूअर से भी कहना चाहूंगा, इन तथ्यों को समझे कि किस तरह गांधी को कोऑप्ट करना मजबूरी है तो कर रहे हैं, वरना गांधी को भी कोशिश होती कि ये नीचा दिखा के और किसी और आइकॉन को लाया जाए या खुद को बैठा ले, क्या दिक्कत है? आखिर मीडिया में ही तो देना है, मीडिया तो अपनी है उनकी। मुझे लगता है कि आप इस चीज इन चीजों को समझ गए होंगे। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही, और किसी और मुद्दे पे आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए